अनुज लक्ष्मण, कहीं नाथी अनुज, कहीं स्वामी यमी आगे पर, कहीं शबरी का आश्रम है। चलो हम शबरी के आश्रम तक तो चलते हैं भैया। चलो अनुज। बकरी चलाने की बारी किसकी है? अरे बकरी तू लड़का है, तू ही चलाएगा, बुढ़ा आदमी हम कहाँ चला पाएगा। ए दादा, कल की बारी हमारी थी, आज की बारी आ गई। अरे बचवा, आज भी चला लेना, क्या तू थक जाएगा क्या? दादा मैं नहीं चलाने जाऊंगा। अरे चल देख कहीं गायब है। दादी बहुत मारेगी, मैं अभी गिनती करके आया, बकरी गायब हो गई है। जो जब जितना दूध देती थी ना काली वाली, अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा दूध देती थी वही गायब हो गई है। ऐसा है ना, तेरी राज्य है चाहे जो गायब करवा दे तू। मेरी राज्य का? अरे तेरी ही राज्य चल रही है बच्चों, इस समय तो बच्चों की ही राज्य है। ए दादा चलो बकरी को ढूंढते हैं, नहीं शिवरी दादी बहुत मारेगी। ठीक है चल ढूंढ। रानी मार बकरी हे मार दादी बोलती थी जब कोई कष्ट हो, जब कोई विपदा आए तो प्रभु का स्मरण कर लो, तुम्हारा पूरा काम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बुला ले प्रभु को, बुला ले प्रभु को, याद करते हैं, याद कर ले बचवा, हो सकता है वो आ जाए। हाँ हाँ आ सकते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग कोल भी हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। वही तो बात है बच्चों, ये कोई साधी लगते हैं। हे प्रभु आप कौन हैं? आपका प्रयोजन क्या है इस पिया वाले जंगल में? आप नंगे पैर? हे दादा ये अवश्य कोई राजा बाबू हैं, परंतु हम तो वनवासी हैं। मैं वनवासी
Yeah.
पैसा जरूर देंगे। हेलो हेलो भगवान को काटा न चुभ जाए। अरे भगवान भगत के बस में हो आए, भगवान भगत के बस अरे मैं तो फूल बिछा रही हूँ भगवान के लिए ना। आएंगे जरूर आएंगे हमारे कुटिया में। ए दादी हाँ ए माला में तू क्या जपती है? जीते जीते ऐसे चिरंजीव दादी हाँ ये माला में क्या गटर्गो जपती है? मैं माला में भगवान को जपती हूँ, राम सीताराम सीताराम। ए दादी हाँ अगर मैं राम और लक्ष्मण से मिलवा दूँ तो मुझे क्या खिलाओगी? राम लक्ष्मण से हाँ मिलाओगे तो खिलाएगा? हाँ बकरी वकरी कहाँ करके आया है तू? ए दादी हाँ बकरी एक गायब हो गई। क्या हुआ? 77 बकरी है जो जंगल में छोड़ के चला आया। बकरी छोड़ कर क्यों चला आया? वही प्रभु श्री राम मिल गए। कहाँ? परंतु ऐसे नहीं बताऊंगा दादी, मैं थक जाता हूँ। क्यों रे? चलते चलते पाँव दर्द करने लगते। ये तो छोटा है बच्चा है, तू तो बड़ा था ना। बकरिया जंगल को छोड़ कर कैसे चला आया था? ए दादी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं खाता भले कम हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलता। झूठ तो तुम नहीं बोलते दादी। हाँ मुझे छोटा सा मोटर चाहिए। छोटा सा दादी? मुझे छोटा सा मोटर ठंडी है चल जाएगी। हाँ दादी हाँ चलो क्या? मैं जो बट का वृक्ष है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बैठाया हूँ। हाँ कहीं वो ऐसा न हो कि वो इंतजार करते करते चले जाए। चलो चलो इसलिए तुम आपने झूठ बोला तो मैं इतना मारूंगी तुम्हें, मैं इतना मारूंगी दादी। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा चलो 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 सवेरे
गहना में ले ले और ले जाके पूरी कुटिया में छिड़काव कर दे और जो अगल बगल है अड़ोस पड़ोस में सबको चमाने के दे दे। गिरा रहा है अभी भगवान छठ के गिर गया। सुनो इधर आओ इधर जय हो। देखिए इस चलते हुए प्रसंग पे रामायण परिवार को सहयोग है। मंजू जी सारदा आदर्श नगर कॉलोनी 2100 रुपए की राशि आपके द्वारा प्रदान की जाती है। रामायण परिवार आपका बहुत बहुत साधुवाद करता है। आदरणीय राजन प्रेम सहित प्रभु इस बैल में क्या स्वाद है। इस बैल के स्वाद का जितना वर्णन करो उतना कम है और इसमें खट्टी भी है। मैं इसको चीख चीख के निकाल इस वसुंधरा से लेकर आता जो भी खाने की वस्तु जो इस बैल में स्वाद है वो किसी में भी नहीं है। मैंने भी मुझे बहुत खिलाया है पर जो इस बैल में स्वाद है वो हंस में नहीं। भैया एक बैल खा के देखो मनुष्य वाह इस बैल के स्वाद का जितना वर्णन करो उतना कम है। अनुज लक्ष्मण
स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि हे प्रभु मैं अधम से अधम जाति की भिलनी हूं और मंद बुद्धि की हूं। मैं तो सदैव भक्ति का नाता माना करता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भवानी कहे प्रभु, मुझे तो जात पात धन बल यह सब मेरे लिए पर है, मेरे लिए तो सिर्फ भक्ति का नाता सर्वश्रेष्ठ है और वही मैं माना करता हूँ। भक्ति हीन नरसो भई कैसा, बिन जल बारिद सहे बामनी कहिए प्रभु, जिस प्रकार से जल के बिना बाइबल का जीवन अधूरा या शोभनीय है, उसी तरह जिस भी मनुष्य के अंदर यदि भक्ति ना हो तो उसका जीवन समझो अधूरा है। आप सभी राम भक्त माताएं बहनें शांतिपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी सोरी को अपनी नौ प्रकार की भक्तियां बताने जा रही हैं कि भक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोरी को बताने जा रहे हैं कि भक्तियां नौ प्रकार की होती हैं। आप लोग शांतिपूर्वक नौ प्रकार की भक्तियों का श्रवण करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी सोरी को बताने जा रहे हैं। इस प्रसंग के रामायण परिवार को सहयोग है सोरी नौधा भक्ति के बाबू नौ बताने जा रहा हूं। तुम उसको अपने मन चित्त को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा। हे बामनी कहे प्रभु, मेरी पहली भक्ति वह है जो संतों का सत्संग करे, के बताए हुए मार्ग पे चले, वह मेरी पहली भक्ति को प्राप्त होता है। भावनी प्राप्त होता है दूसरी रवि मे भावनी कही, मेरी दूसरी भक्ति वह है जो मेरी कथाओं को सुने और चार लोगों में चर्चा करे, चार लोगों में बतलाए, वो मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त होता है। भामिनी जन प्राप्त होता है गुरु पद पंकज सेवा। मेरी तीसरी भक्ति वह है जो अपने गुरु के चरणों पर मस्तक को झुकाए, अपने गुरु की अर्चना वंदना और पूजन करे, वह मेरी तीसरी भक्ति को प्राप्त होता है। बामनी प्राप्त होता है चौथी भक्ति मम गुण करई। बामनी कहिए, मेरी चौथी भक्ति वह है जो छल कपट को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरा गुणानुवाद करता है, मेरा भजन करता है, वह मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त होता है। बामनी प्राप्त होता है मंत्र
14 वर्ष
के लिए वन में आए। 14 वर्ष का समय पंचवटी में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी राक्षस ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया। हमें अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचे हैं, परंतु आगे जाने का मार्ग मुझे नहीं मालूम है। हे रामनी कहिए। Yeah.